एक रिजल्ट आपने और याद रखना है, फेज चेंज इन रिफ्लेक्शन। फेज चेंज इन रिफ्लेक्शन में ये बताया जाता है कि अगर आपके पास ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, एक रेयरर है और ये डेंसर है, तो आपकी अगर वेव आती है रेयरर में आती है और रेयरर में चली जाती है, आप कहोगे कि वो डेंसर में नहीं जाएगी, जा सकती है, पानी है, जा अंदर भी जाएगी, पर अगर जो रेयर जो वेव सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई तो इसमें अगर क्रेस्ट आया तो ट्रफ वापस जाएगा टकरा के, तो देयर इज अ फेज चेंज ऑफ 180। तो याद रखना, अगर कोई वेव आती है एयर से एयर में चली जाती है, जो एयर से वाटर में गई उसमें कोई चक्कर नहीं, कोई चेंज नहीं, क्रेस्ट गया क्रेस्ट ही चला जाएगा, पर जो सरफेस से टकरा के चलेगी एयर से एयर, क्रेस्ट आएगा ट्रफ बनेगा, ट्रफ आएगा क्रेस्ट बनेगा, तो फेज चेंज ऑफ 180। लेकिन अगर वाटर में डेंसर मीडियम में वेव आती है उस रेयर में चली गई उसमें कुछ नहीं होगा, डेंसर से डेंसर जाती है तो इसमें कोई फेज चेंज नहीं होगा, क्रेस्ट का क्रेस्ट रहेगा ट्रफ का ट्रफ रहेगा। तो फेज चेंज कब होता है, जब कोई भी पानी की सरफेस है, वेव आ रही है पानी की सरफेस पे टक्कर मारती है और वापस चली जाती है एयर टू एयर, आपको कि जो पानी में चली गई उसमें कोई चेंज नहीं है, वो क्रेस्ट आया क्रेस्ट गया, पर जो एयर टू एयर चली गई उसका फेज चेंज ऑफ 180। याद है आपके पेपर में